हेलो किसान भाई, आप सभी लोगों का हमारे चैनल असेंटेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज हम बात करने वाले कि जो हमारी भिंडी की फसल पे जो कीटनाशक का अटैक चल रहा है, जिससे कि हमारी जो भिंडी की फसल है उसके जो पत्ते को काटने वाले कीटनाशक का अटैक चल रहा है, सेम लूपर का अटैक चल रहा है या FNCS जो लूपर है उसका रस चूसक का अटैक चल रहा है, तो हम कैसे करके हमारी जो भिंडी की फसल है पीली पड़ रही है, तो हम कैसे करके इस अटैक को रोक सकते हैं, कौन से कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारी जो कीटनाशक का अटैक है वो खत्म हो जाए। तो किसान भाई, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी ले सकते हैं आप। तो इस वीडियो का पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, इस समय पर हमारी जो शुरुआती समय होता है तो कीटनाशक अटैक कर देते हैं, जिस वजह से हमारी जो भिंडी की फसल है उसकी जो पत्तियां होती है उनकी पत्तियों को काट करके कीटनाशक अटैक कर देते हैं, जिससे हमें काफी सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है और हमारी जो भिंडी की फसल है वो पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो हम कैसे करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं किसान भाई, तो आइएगा हम स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, अगर ऐसी समस्या आपके साथ आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं कि इमामेक्टिन बेंजुएट का प्रयोग कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजुएट का किसान भाई, आप प्रयोग करने के बाद आप इसका स्प्रे कर दीजिएगा, इससे जो आपकी जो सेमी लूपर की जो समस्या आ रही थी उसकी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ में अगर किसान भाई, आपकी जो रस चूसक जो कीटनाशक की जो अटैक चल रहा था उसके लिए आप UPL का आता है उलाला, उसका प्रयोग कर दीजिए। किसान भाई, 50 ग्राम का स्प्रे कर दीजिएगा, 1 एकड़ में उसकी जो समस्या थी वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ में किसान आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपकी जो भिंडी की फसल है वो पीली पड़ रही है, तो उसके लिए आप किसान एक काम पहले करिएगा कि आप जो इमामेक्टिन बेंजुएट है उसका स्प्रे पहले कर दीजिएगा। उसके बाद करीब 1 हफ्ते के बाद किसान भाई, आप UPL का जो उलाला और जो NPK का आप स्प्रे कर सकते हैं। जो अगर आपका जो पीलापन पड़ रहा है तो NPK वाटर सोलबल का आप 19-19 का स्प्रे कर दीजिएगा। इन दोनों का आप मिक्स कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों, आप इमामेक्टिन का जो बेंजुएट है उसका आप स्प्रे कर दीजिए, उसके 8 दिन के बाद आप NPK वाटर सोल्युबल NPK 19-19 और जो UPL का उलाला है उन दोनों को मिक्स करके आप इसका स्प्रे 1 हफ्ते के बाद कर दीजिए। आपकी जो समस्या थी किसान भाइयों, आपकी जो समस्या एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे करके आप इसका प्रयोग करेंगे किसान भाई, आपकी जो समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आशा करते हैं किसान भाई, मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो हमारी बातें हैं सभी किसान भाई तक पहुँच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। किसान भाई, अगर आपका कोई सवाल रह जाता है कीटनाशक के रिगार्डिंग, भिंडी की फसल के रिगार्डिंग, तो आप अपने जो सवाल है उसको तुरंत ही कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो सवाल होगा उसको मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाई, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।